उल्दन बांध परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण के लिए रविवार को संबंधित ग्रामों में शिविर लगाए गए। राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के आवेदन लेकर उनका निराकरण किया गया। कलेक्टर आर्य ने सभी प्रभावित व्यक्तियों से अपील की है कि सह खातेदार अपनी सहमति प्रदान करें एवं अपडेट बैंक खाता उपलब्ध कराए, जिससे उनकी राशि तत्काल हस्तांतरित की जा सके। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि विगत दिवस बांध प्रभावित व्यक्तियों से कहा गया था कि आप सभी अपने ग्रामीण में पहुंचे, आपकी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा, इसके लिए आपके ग्राम में ही शिविर आयोजित होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज संबंधित ग्रामों में राजस्व अधिकारियों एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में शिविर का आयोजन किया गया। लेके और भूगर्जन राशि उनको भुगतान करना था, लेकिन ये की समझ आ रही थी कि मौके पे, क्योंकि ये काफी पहले का प्रोजेक्ट है, काम अभी भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति मिल रही थी कि लोगों को भुगतान ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं कई तरह की जो आपसी इनकी बातें, इनको यहाँ से तहसीलदार साहब के कार्यालय में, SDM साहब के कार्यालय में या कलेक्टर साहब के कार्यालय में आते हैं, तो वो जो डिस्टेंस था उसको ख़त्म करते हुए कलेक्टर साहब का ये मंशा थी कि सभी लोगों से 1-to-1 उनके स्थानीय क्षेत्र में, गाँव में, ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन में यदि मुलाकात होती है तो ज़्यादा बेहतर ढंग से लोग अपनी बातों को रख पाएंगे जो विभिन्न माध्यमों से लोगों को मिल रही है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने विशेष रूप से आयोजित शिविर लगाए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे काम हो रहा है, चाहे लोगों का खाते संबंधी समस्या हो, नाम की संबंध में विसंगति कई जगहों पे आ रही थी, किसी का नाम रमेश लिखा है खाते में, राजा नाम उसका सामान्य रूप से है या सुरेश लिखा है, सोहन नाम है, इस तरह की छोटी मोटी जो गलतियाँ राजस्व रिकॉर्ड और बाकी जगहों पे थी उनको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या है कि अगर डूब क्षेत्र में जाए तो मकानों को भी पैसा जल्दी दो और जो किसानों को पैसा रहेगा वो जल्दी दो जमीनों को। EMS TV के लिए सागर से संवाददाता निखिल सोधिया की रिपोर्ट।